गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2017 और वे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली की पेपर न्यूज और जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वो। तो आज के इस लेक्चर में हम 27 और 28 अगस्त दोनों की जो इम्पोर्टेंट पीआईबी और जो एडिटोरियल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पहले पीआईबी न्यूज। पहली पीआईबी न्यूज है वो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर आई है। न्यूज़ में यह है कि जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी है, जो बॉडी है, वो नई रिसेंटली नई नेशनल रजिस्ट्री बना रही है, जिसके तहत जो भी स्किल्ड लोग हैं उनको मतलब सारा डाटा उनका एक से इकट्ठा किया जाएगा तथा उनकी हेल्प से जो अनस्किल्ड लोग हैं उन्हें उनको स्किल प्रोवाइड की जाएंगी तथा उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेनली है जो दोनों सेक्टर में, आपको बता दें कि अनस्किल्ड लोगों के सेक्टर में भी काम कर रही है तथा उन लोगों को स्किल्ड जो लोग हैं उन्हें भी जॉब प्रोवाइड करेगी। तो चलिए देख इस बॉडी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये बॉडी क्या है, क्योंकि यूपीएससी बॉडी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स है कि ये सोसाइटी मतलब ये बॉडी है सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है या नहीं है, या नेशनल लेवल पर काम करती है या इंटरनेशनल है, कब बनी है, मतलब मेज द फुल वगैरह वहाँ भी पूछ सकती है। थोड़ा बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये 1970 में बनी हुई है और यह नेशनल लेवल की प्रोफेशनल था नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बॉडी नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बॉडी है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है और यह इसके जो मेंबर होते हैं वो इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं तथा जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि ट्रेनिंग के एरिया में मतलब किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके मेंबर के यूपीएससी से भी पूछ सकती है किसके मेंबर है वो, क्या वो इंस्टीट्यूट ही होती है मतलब वहाँ पे ओनली इंस्टीट्यूट या ओनली मतलब कोई भी इंडिविजुअल लोग हो सकते हैं। तो वहाँ में ध्यान रखना है कि यूपीएससी आपको पता काफ़ी ज़्यादा बार पूछती है कि ओनली वाले स्टेटमेंट देखे क्वेश्चन, तो वहाँ हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब यह जो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनके साथ भी मिलकर काम करती है तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि एक तो है यूएसए का है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर काम करती है, और इसी के साथ जो एशियन रीजनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम करती है। तो इस बॉडी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस किया जिसके बारे में यूपीएससी में प्रीलिम्स वगैरह में पूछ सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे के जो न्यूज़ है वो खेल के बारे में है। एक नया खेल महोत्सव मनाया जाए ग्रामीण खेल महोत्सव को लेकर आई है। तो देखते हैं ग्रामीण खेल महोत्सव क्या है। यह ग्रामीण खेल महोत्सव का जो पहला एडिशन है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का ये मतलब प्रोग्राम रहेगा खेल महोत्सव। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि रूरल एरिया के जो गेम होते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा तथा उनको मेनली खेला जाएगा। जैसे एग्जांपल रेसलिंग हुआ, एथलेटिक्स हुआ, इसके साथ में जो मटका दौड़ वगैरह जैसे जो कुछ फनी दौड़ वगैरह इवेंट होते हैं वो मतलब जो गाँव के ग्रामीण लेवल में जो गेम खेले जाते हैं उन गेमों को इसमें प्रमोट किया जाएगा। और गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य भी यही है कि ताकि जो गाँव के गेम वगैरह हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिसकी हेल्प से युवाओं को भी आगे बढ़ाया जाए तथा उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो ये ऐसे पॉइंट हैं हम ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा जो ये पॉइंट है या पिछले डायरेक्ट सी प्रीलिम्स में भी पूछ सकती है। अब इसमें क्या क्या थोड़े वो देख लेते हैं। डाटा तो इतना खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें 16,000 यूथ हैं उनको मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन से इतने मेनली इसमें जो दिल्ली रूरल दिल्ली के एरियाज हैं वहाँ से 16,000 यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट है वो सॉरी इसी के साथ जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को भी प्रमोट कर रही है और उनको बोल रही है कि इस दिशा में वो नए कदम से उठाए से हैं जिसकी हेल्प से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलों का जो लेवल है उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि गाँव में मेनली जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फिर दिक्कत ये होती है कि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से वो टैलेंट है वो हिडन ही रह जाते हैं और इसकी वजह से इंडिया को ओलंपिक में काफ़ी बार बहुत कम मेडल मिलते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस दिशा में कदम उठा रही है तथा गांव गवर्नमेंट इसी दिशा में कदम उठा रही है जिसके द्वारा जो गांव का टैलेंट है उसको बाहर निकाला जा सके और तथा उसकी हेल्प से जो ओलंपिक वगैरह है वहाँ उनके द्वारा पॉइंट वगैरह जीते जा सके, मतलब इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बनाई जा सके तथा एक इमेज बन सके अच्छी। अब इसकी ये पॉइंट है हम ऐसे राइटिंग में तथा आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि मतलब खेलों का क्या महत्व है, खेलों के द्वारा क्या फायदे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या समस्याएं वहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा जो यूथ की एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन दी जाएगी क्योंकि गाँव में जो प्रॉपर यूथ होते हैं उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं तथा गवर्नमेंट उसी दिशा में भी ये कदम उठा रही है। और सबसे बड़ा फायदा जैसे भी आपको बताया कि ओलंपिक जो मेडल के एरियाज है उस एरियाज में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये थी आज की ये। अब अगली पीआईबी न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली पीआईबी न्यूज़ है वो एक फेस्टिवल को लेके है जिसका नाम है नोखई जारा नोखरी जुहर सॉरी। ये फेस्टिवल है ये मेनली उड़ीसा का एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो
तो यूपीएससी एक तो इस पे दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो ये रीजन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी रीजन का है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि उड़ीसा का ये फेस्टिवल है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब कि जब भी नई जो राइस की जो नया सॉरी जब भी राइस का नया सीजन स्टार्ट होता है तब ये प्रोग्राम तब ये फेस्टिवल है मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछ सकती है डायरेक्टली कि क्या ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है या फिर मतलब न्यू ईयर है या उड़ीसा न्यू ईयर है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि ये मतलब उड़ीसा जैसे सॉरी अब अगली न्यूज़ है वो थोड़ी डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज़ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके आई हुई है, तो थोड़े इसके हम जो पुराने पॉइंट वगैरह वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कौन से मतलब कौन सी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आई थी। वह जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी वो टेक्सटाइल सेक्टर में आई थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। आपको पता है मैनचेस्टर और वहाँ मैनचेस्टर एरियाज में आई थी, तभी ये सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो औद्योगिक क्रांति बोलते हैं वो सबसे पहले यूके में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से जस्ट पहले के टाइम पे हुई थी, मतलब अप्रोक्सीमेट 1914 से जो पहले का टाइम था, मतलब जिस टाइम पे इंडिया ने भी इसका थोड़ा फ़ायदा उठाया था। इंडिया में आपको पता है कि जमशेदपुर टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी, तो मतलब जो आयरन की काफ़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह लगी थी इंडिया में। इसके अलावा मतलब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था मेनली, बट इंडिया ने भी इसका थोड़ा फ़ायदा उठाया था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। इसमें मेनली जो आयरन था केमिकल की जो इंडस्ट्रीज थी उनके मतलब डेवलप किया गया था, उनका निर्माण हुआ था। अब इसके साथ जो अगली थर्ड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हुई थी, जो 1970 के टाइम पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वगैरह हुई थी। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह है इनका निर्माण बहुत काफ़ी तेज़ी से हुआ था, जिसमें डीसी के टाइम पे मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह का आविष्कार हो, और वही मतलब लैपटॉप आविष्कार को काफ़ी जननी आगे मतलब उनको रास्ता प्रोवाइड करवाता है थर्ड जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसने। अब जो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो आ रही है, मतलब ये आ चुकी है, जो इसमें मेनली जो ये अभी जो बिग डाटा जैसे इंटरनेट वगैरह का जो है इन पॉइंट में। सर बिग डाटा क्या है थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। बिग डाटा का मतलब ये होता है कि आपको पता है काफ़ी बारी क्या है कि कंपनी है ना बहुत सा डाटा कलेक्ट कर लेती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसी अमेजोन का ले लेते हैं, आपको पता है कि अमेजोन पे जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो फिर वही चीज़ अगर हम उसको एक दो बार सर्च कर लिया तो उसके बाद जैसे भी अगर हम कोई दूसरी साइट वगैरह कुछ भी खोलते हैं तो वो अपन को बार बार उस चीज़ के बारे में दिखाता है कि इसकी प्राइस इतनी कम हो गई है, अब आप उससे मतलब रिलेटेड सर्च अपन को दिखाता है। तो ये क्या है कि कंपनी एक अपना बड़ा बड़ा इस तरीके से सर्वे कर लेती हैं, तो फिर वो कंपनियाँ क्या कि मार्केट की मतलब पहचान लेती हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और कस्टमर को कौन चीज़ अच्छी लगी, कौन से कस्टमर को क्या है। तो ये क्या है एक बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट कर लेती हैं कंपनियाँ, और फिर इस डाटा का वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव यूज़ भी होता है और नेगेटिव दोनों यूज कर सकती हैं। तो ये होता है मतलब ये फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसी का एक पार्ट है। इसी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब जब मशीन में एक दिमाग मशीनी दिमाग एक तरीके से आप बोलते हो, मतलब मशीन में इंसानी दिमाग की तरह सोचने समझने की कैपेसिटी डेवलप करना, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट इसी दिशा में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नया कदम उठा रही है ताकि जो मतलब ये फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसका इंडिया फ़ायदा उठा सके। तो ये जो थोड़े पॉइंट है अपन ये अपन ऐसे राइटिंग वगैरह और आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी एक टास्क फोर्स डिसाइड बनाई है इसी के लिए कि ताकि उसके द्वारा मतलब जो भी ये कोई भी मतलब हमें नया आगे के प्लान बना सकें कि हमें क्या कैसे काम करना है, फिर इसके लिए क्या क्या हमारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, किस तरीके से हमें उन चुनौतियों से निपटना है। तो मतलब इस सेक्टर में मिनिस्ट्री जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई है, और उसके चेयरपर्सन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी चेयरपर्सन डायरेक्टली भी पूछ सकती है। इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर वी कामाकोटी, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे की जो न्यूज़ है वो जन धन योजना तथा 1 बिलियन को लेके है, JAM को उसको रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है उसको लेके वित्त मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने। अब आपको थोड़े इसके ब्लैक जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। आपको पता है कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की थी, जिसका मेन मोटो ये था कि गरीबों के जो अकाउंट हैं मतलब सेविंग अकाउंट हैं वो ओपन किए जाएंगे तथा उनको रुपए कार्ड वगैरह देके मतलब डिजिटली उन्हें किया जाएगा, और उसकी वजह से उनको ऋण और जो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो इसका मेन मोटो था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। अब इसी के साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आया ताकि गरीबों को जो डिजिटल था इकोनॉमिक तथा सोशल तीनों रूप से मतलब मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें। आपको पता है कि गरीब 3 सेक्टर में ज़्यादा पीछे होते हैं मेनली, तीनों सेक्टर में सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, सबसे पहला सोशल, उसके साथ इकोनॉमिकली और उसके साथ डिजिटल। अगर तो प्रधानमंत्री ने सोचा
कि अगर जो जो भी मतलब इंडिया में गरीब हैं उनको अगर डिजिटल किया जाता है तथा उनको इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा बना दिया जाता है और सोशल रूप से उनको काफ़ी अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसी दिशा में गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था। तो हम ऐसे की पॉइंट है वो ऐसे राइटिंग में और आंसर राइटिंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमिकली और सोशल रूप से गरीबों को मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करना। ये अब इसके थोड़ा जो डाटा है ये हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि लगभग महिलाओं के 14.49 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए थे, जो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी दर्शाता है कि महिलाओं को हाँ कितना आगे महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी नए कदम उठाए हैं। अब इसी के साथ जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जैसी योजनाएं थी ये JAM के लिए एक शुरुआत थी। अब JAM क्या है वो देख लेते हैं। JAM का मतलब है जनधन आधार और मोबाइल, मतलब ये जो जनधन की योजना थी उससे तथा जो आधार कार्ड और जो मोबाइल की जो फैसिलिटी है तीनों को कनेक्ट करके जो कैंपेन शुरू किया था उसे बोलते हैं JAM। तो उसके देख लेते हैं, JAM एक सोशल रिवॉल्यूशन से कम नहीं है, JAM मतलब एक सोशल रिवॉल्यूशन ही है या इससे बढ़ गया है ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें आर्थिक समावेशन जो वित्तीय समावेशन है उसे जनधन योजना के द्वारा और बायोमेट्रिक पहचान के द्वारा, आधार बायोमेट्रिक जो पहचान है वो आधार कार्ड के द्वारा तथा जो मोबाइल के द्वारा जो दूर संचार मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको एक साथ लाया जाएगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात हुई थी। जैसे कि आर्थिक मतलब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो होगा जनधन आधार जनधन योजना के द्वारा, मतलब जनधन के द्वारा उनको डिजिटल उनको अकाउंट ओपन किए जाएंगे तथा उनको जो सेविंग अकाउंट है उनमें मतलब उनको जो भी इंटरेस्ट वगैरह गवर्नमेंट वो अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, और जिसकी हेल्प से उनको मतलब रुपे कार्ड वगैरह गवर्नमेंट इश्यू करवा रही थी, इसी के साथ जो उनको इंश्योरेंस वगैरह, तो ये तो होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके साथ बायोमेट्रिक जो पहचान की, ताकि उनकी पहचान करने के लिए गवर्नमेंट ने यूज़ किया आधार कार्ड। आपको पता है गवर्नमेंट ने आजकल काफ़ी स्कीमों में आधार कार्ड कंपलसरी कर रखा है, तो मतलब एक पहचान के लिए आधार कार्ड ताकि इसकी वजह से लीकेज ना हो, और मतलब एक ऑथेंटिकेट सोर्स है जिसकी वजह से जांच की जा सके हाँ कि जो पर्सन है उसी के नाम का डाटा है या नहीं है। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है, आपको पता है कि आधार कार्ड से पहले, आधार कार्ड गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, उससे पहले ऐसे होता था कि काफ़ी बार मतलब दूसरे के डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम पे लोग है ना वो डाटा जैसे PDS से राशन वगैरह ले लेते थे, बट अब आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल जिसको भी PDS वगैरह से कुछ भी राशन लेना सामान लेना होता है तो उसे डायरेक्टली खुद को फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। तो ऐसे ये काफ़ी जो पॉइंट है, और मोबाइल के द्वारा जो दूरसंचार जो टेक्नोलॉजी है टेलीकॉम सेक्टर है उसको मतलब आगे लाएगा। तो मतलब गरीबों को तीनों सेक्टर में गवर्नमेंट है वो आगे लेके आ रही है, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। और डिजिटल इंडिया है वो भी एक इसी का पार्ट है। इसी के साथ जो भीम ऐप वगैरह है वो JAM के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि भीम ऐप है उसमें भी आपको पता है कि बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ होता है और वो मतलब अपने आधार कार्ड से कनेक्ट होते हैं। तो जो भीम ऐप है वो भी JAM के साथ काम करता है, जनधन आधार और मोबाइल के साथ, और यह डिजिटल सिक्योर जो पेमेंट मेथड है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ गरीबों को डिजिटल बनाने की दिशा में भी ये काफ़ी अच्छा कदम है। तो ये थोड़े की पॉइंट थे जो हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम डेली के एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं, तो चलो आज उसको देखते हैं। आज हमें G7 को डिस्कस कर G7 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। G7 को पहले G7 थी, ये G8 कंट्रीज थी, बट आपको पता है कि जब रसिया का क्रीमिया का इशू हुआ था, एक्चुअली ऐसे आरोप लगाया गया था, ध्यान रखना शब्दों का ध्यान हमें बहुत सोच समझ के उठाना है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे आरोप लगा है, ना कि वो बात मतलब प्रूव हुई है, यहाँ पे सिर्फ आरोप लगे हैं कि रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था, इस चीज़ का आरोप लगा था रसिया पे, और उसी के बाद G8 की जो कंट्रीज थी उन्होंने रसिया को बाहर हटा दिया था और G7 जो कंट्रीज थी ये बन चुकी थी। मतलब पहले G8 था ये ग्रुप और उसका बाद में नाम G7 हो चुका है। अब इसमें एक सारी वो कंट्रीज आती हैं जो डेवलप्ड हैं, मतलब जो अमेरिका हुआ रसिया हुआ जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी इसी में आती हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं मेनली वो भी। अब इसमें जो इसकी जिनकी इकोनॉमी सारी एडवांस मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिनके कटेज टेक्नोलॉजी हैं वो सारी कंट्रीज़ हैं, और इसमें अब जो पूरे वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेट 46% GDP है वो ये कवर करती हैं। तो ये यूपी थोड़ा मतलब इनडायरेक्टली कहीं पूछ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है कि जो G7 है, G7 जो ऑर्गेनाइजेशन जो G7 ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोल सकते, सॉरी G7 ग्रुप है ये, जो G7 ग्रुप है मेनली 46% वर्ल्ड की GDP है उसे रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करता है। अब इसके तो सबमिट थोड़े देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो हमें ज़्यादा सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। अब जो इसका 2015 में जो सबमिट हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और 2016 का जो सबमिट था वो जापान में, और 2017 का जो सबमिट है वो इटली में हुआ। तो हमारे लिए तीन जो लास्ट, एक तो स्टार्टिंग जो सबमिट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने इनको डिस्कस किया। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।